सुनो ना, पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द्रौपदीस किचन। चलिए आज को स्मार्ट कुकिंग करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने वाली हूँ हम सबकी, ज़्यादातर सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट फ्रेंच फ्राइज, लेकिन विद अ ट्विस्ट। और ये फ्रेंच फ्राइज इतनी टेस्टी होती है जो आप मैकडोनल्ड्स और केएफसी में खाते हैं उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आलू ले लिया है, मैं दो आलू छिलूंगी। छिल के अच्छे से उसको छोटा छोटा स्क्वायर्स कर लिया है। अब इसको मैं बॉईल कर रही हूँ। अच्छे से बॉईल कर लिया आलू को। अब मैं इसमें मिलाऊंगी कॉर्नफ्लावर 1 टेबलस्पून। ये चीज़ थोड़ा अच्छे से देख लीजिए क्योंकि ये मेजरमेंट ही मेन है। तो 1 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर मिला दिया। अब मैं इसमें मिला रही हूँ ब्लैक पेपर या कूटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार 1 टीस्पून मैंने मिलाया। अब सारी चीज़ को बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। अभी तक अगर रेसिपी अच्छी लग रही है, आइडिया न्यू लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। और अब मैं सारा चीज़ को अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैं मिला रही हूँ इसमें एक अंडा। अंडा मैं मिला रही हूँ ताकि ज़्यादा टेस्ट आए और बाइंडिंग भी हो जाए। अब ये मिक्सचर रेडी है। अब मैं थोड़ा मैदा छिड़क लिया और उस डो को थोड़ा फ्लैट कर लिया एक बेलन से। और अब मैं फ्रेंच फ्राइज के साइज़ में इसको कट करूँगी और मीडियम हाई फ्लेम में इसको फ्राई करूँगी धीरे धीरे। बहुत हाई फ्लेम नहीं करना है, फिर वो जल्दी लाल हो जाएगा और हमारी फ्रेंच फ्राइज अच्छी नहीं लगेगी देखने में। तो जैसे आप देख सकते हो, जैसे गोल्डन ब्राउन हो गया तो हमने सर्व करने के लिए रेडी है। तो कैसा लगा आज की रेसिपी, प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।